हाँ डियर फ्रेंड, दिस इज दिवाकर फ्रॉम डीबी टीचिंग पोर्टल। योर वेलकम। नाउ प्रैक्टिस ए न्यू मस्क्यूटो फाइल हमारा तो पढ़ा ही चल रहा है। मस्क्यूटो एमसीक्यू है तो मस्क्यूटोज, तो यहाँ पर अबाउट 100 क्वेश्चन मिलेंगे आप मस्क्यूटो से। इतने ज़्यादा किसी वीडियो में नहीं मिलेंगे, तो चैनल नहीं सब्सक्राइब किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक भी कर दें। तो पीसिंग एंड सकिंग टाइम माउथपार्ट कितने में पाया जाता है? तो कि मस्क्यूटो में पाया जाता है और बेड बग में पाया जाता है। फीमेल एनाफिलीज एग जो देती है कहाँ देती है? तो यहाँ पर देती है फीमेल एनाफिलीज जो वाटर में देती है, साफ पानी में, और क्यूलेस क्या है, डग में देती है, डिस्किंग ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक उसमें डाली मैटर में देती है, और डिकम्पोजिंग डिस्किंग या डिकम्पोजिंग फ्रूट्स वेजिटेबल्स एसेट्रा जो क्यूलेक्स है वहाँ एक देती है क्यूलेक्स फीमेल। जो लार्वा है लार्वा एनाफिलीज लार्वा रिमेनेट तो वाटर सरफेस, जो एनाफिलीज का लार्वा है वो वाटर सरफेस पर किस तरीके से रहता है? तो यहाँ पर वो होता है हॉरिजेंटल टू सरफेस, जो वाटर में रहता है तो हॉरिजेंटल, और जब यहाँ पर लैंड पर रहता है यानी स्थल पर, तो उस स्थल पर जब रहेगा तो यहाँ पर 45 इंच का कोण बनाएगा। तो यहाँ पर जब ज़मीन में पूछे या स्थल पे या फिर लैंड पर, तो यहाँ पर पूछेगा तो 45 एंगल बताएंगे सरफेस पर बैठेगा बनाएगा 45 एंगल जब सरफेस पर सीटिंग होगा। और अगर जब वाटर में पूछे तो वाटर में यहाँ पर हॉरिजेंटल टू सरफेस, तो आंसर यहाँ पर डी सही होगा। बहुत सी एनाफिलीज एग लेट फ्लोट इन वाटर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, तो एनाफिलीज एग हैं उनके वाटर में क्यों तैरते हैं? क्योंकि उसमें एयर फ्लोट होते हैं, स्त्री से वो जो एनाफिलीज है लार्वा उसके स्त्री से जो पतवार शेप्ड दो एयर फ्लोट होते हैं टू, इस तरीके से जो इसीलिए टू एयर फ्लोट होते हैं उसी से तैरता है एग आप एनाफिलीज फाउंड इन। तो जो एग हैं एनाफिलीज के कहाँ पाए जाते हैं? वो सिंगल विथ एयर फ्लोट, सिंगल होता है और एयर फ्लोट होते हैं, मैंने अभी दिखाया था इस तरह से जो एयर फ्लोट होते हैं, तो सिंगल होता है, सिंगल तो होता ही है और एयर फ्लोट पाए जाते हैं। द लार्वा ऑफ क्यूलेक्स फ्लोट्स इन वाटर, तो लार्वा क्यूलेक्स का है तो वाटर में फ्लोट करता है किस तरीके, किस पोजीशन से, किस तरह से? तो वर्टिकली जो है विथ हेड एंड डाउनवर्ड टेल, हेड होता है वो वर्टिकली होता है और यहाँ पर जो है टेल जो है अपवर्ड होती है, जो वर्टिकल हेड होता है और टेल जो है इस तरीके से, टेल जो है अपवर्ड होती है। अभी हम डायग्राम के माध्यम से दिखाएंगे, ये साइफन होती है रेस्पिरेटरी, ये हेड है, ये टेल अपवर्ड है, ये डाउनवर्ड है, ये वर्टिकली है, तो आंसर एक सही होगा इसका। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर, तो 6 का ये आंसर रेस्पिरेटरी साइफन फाउंड इन, तो जो रेस्पिरेटरी साइफन है वो क्यूलेस के लार्वा में पाए जाते हैं। अब क्यूलेस को तो नहीं लिखा है यहाँ पर, मस्क्यूटो लिखा है तो मस्क्यूटो ही लगाएंगे। बीच माउथ पार्ट इन बेहतर डेवलप इन फीमेल, मैम फीमेल है ना फिर देन इन मेल, तो मेल में नहीं पाए जाते जो कि फीमेल पाए जाते हैं। तो पीसरिंग एंड सकिंग टाइप माउथ पार्ट होते हैं जो कि मैंडिबल्स होते हैं उसमें, जो मेल में नहीं पाए जाते हैं। ऐसे भी क्वेश्चन बनता है कि मेल में कौन सा पार्ट नहीं पाया जाता है, तो किस तरीके से मेल में पार्ट, तो सकिंग एंड सकिंग टाइम माउथ पार्ट पाए जाते हैं नेक्टर फ्राम और नेक्टर एंड फ्लावर जूसेस। तो फीमेल में पीसिंग एंड सकिंग टाइप पाए जाते हैं, पीसरिंग एंड सकिंग टाइप, जो कि मेल में मैंडिबल नहीं पाए जाते, जो कि सकिंग एंड पीसिंग टाइप के होते हैं फीमेल में पाए जाते हैं। और यहाँ पर बटरफ्लाई में भी नहीं पाए जाते हैं, मेल मस्क्यूटो में भी नहीं पाए जाते हैं। एनाफिलीज एंड क्यूलेक्स जो कैन बी डिस्टिंग्विश बाय देयर, तो एनाफिलीज और जो एनाफिलीज है और क्यूलेक्स है इनको किस तरीके से हम अंतर कर सकते हैं? तो 9 का आंसर एक होगा सिटिंग पोस्चर, जो एनाफिलीज है वो जब बैठेगा सरफेस पर और ज़मीन पर यानी लैंड स्पेस पर लैंड सरफेस पर, तो यहाँ पर 45 इंच का कोण बनाएगा, और जो क्यूलेक्स है वो बैठेगा तो कोई भी पैरेलल होगा सरफेस, और जो एनाफिलीज है वो जब सीटिंग होगा सरफेस पर
तो वो यहाँ पर 45 एंगल बनाएगा। सो आंसर इज ए सही होगा। और सिटिंग पोस्चर से हम पहचान सकते हैं दोनों को। तो एन एफ ई जो है 45 अंश का कोण बनाएगा, यानी 45 एंगल बनाएगा। और जो है क्यूलेक्स है वो पैरेलल होगा सरफेस, एंड एन एफ ई सरफेस मैक एंगल 45, एंड क्यूलेक्स हैव नो एंगल पैरेलल ऑफ सरफेस। सो आंसर इज ए। नाइन का ए हो जाएगा। ना फ्री लार्वा डिफर फ्राम दैट ऑफ क्यूलेक्स हैविंग। तो जो क्यूलेक्स का जो लार्वा है ना फ्री, जो क्यूलेक्स के लार्वा में बता रहा है ना फ्री लार्वा डिफर फ्राम दैट ऑफ क्यूलेक्स इन हैविंग। किसकी उपस्थिति के कारण ना फ्री जो लार्वा जो है वो किसकी उपस्थिति के कारण जो है भिन्न होता है क्यूलेक्स से। तो जो ना फ्री लार्वा है तो नो डब्लेपेड नो रेस्पायरेटरी साइफन पाई जाती है इसमें, और इसमें नहीं होती साइफन, इसलिए यहाँ पर यह भिन्न है क्यूलेक्स में पाई जाती है। तो नो रेस्पायरेटरी साइफन इज प्रेजेंट, हैविंग नो रेस्पायरेटरी साइफन इन एनाफिलीज लार्वा। तो आंसर एक सही होगा। और जो पाई जाती है वो किस में पाई जाती है, क्यूलेक्स में, एनाफिलीज में नहीं पाई जाती। मस्क्यूटोज पॉसेस, तो जो मस्कूट में मस्क्यूटो में क्या क्या पाया जाता है, यहाँ पर चारों ऑप्शन देख लें। मस्क्यूटोज में क्या क्या पाया जाता है, तो उनके करेक्टर है मस्क्यूटोज पॉसेस पेयर बिलोंग इन बींग्स मेजोथोरिक एंड अदर मेटाथोरिक्स बता रहा है। दूसरा क्या रहा, वन पेयर ऑफ लॉन्ग मेम्ब्रेन ऑफ बींग्स ऑफ मेटाथोरिक्स एंड दोज ऑफ मेटाथोरिक्स मॉडिफाइड इन टू हल्टर। तो और तीसरा बता रहा है मेजोथोरिक बींग मॉडिफाइड इन टू द हल्टर एंड मेटाथोरिक पेयर इज लॉन्ग मेम्ब्रेन हाउस। चौथा बता रहा है मेटाथोरिक मेजोथोरिक प्रिपेयर पेयर फार्मिंग या साइटोप्लाज्म। तो आंसर यहाँ पर कौन सा सही होगा, सारे क्वेश्चन पढ़ लिए। आंसर यहाँ पर वन पेयर ऑफ लॉन्ग मेम्ब्रेन ऑफ बींग्स ऑफ मेजोथोरिक्स एंड द अदर मेटाथोरिक्स मॉडिफाइड इन टू द अल्टर्स। तो आंसर यहाँ पर 11 का बी सही होगा। जो वन पेयर बींग्स हैं वो कि लॉन्ग होते हैं, वन पेयर बींग लॉन्ग होते हैं, और मेजोथोरिक्स पर जो कि मेजोथोरिक्स पर बींग पाए जाते हैं लॉन्ग वन पेयर है, और जो अदर हैं एंड दोज ऑफ द मेटाथोरिक जो मेटाथोरिक पर पाए जाते हैं वो मॉडिफाइड हो जाते हैं अल्टर्स में। अल्टर से जो है फ्लाइड एस देर एस फाटर देन फोर बींग्स। तो जो अल्टर्स हैं जो मेजोथोरिक जिसे कहते हैं मेजोथोरिक जो अल्टर्स होते हैं जो मेटाथोरिक वाले होते हैं तो वो यहाँ पर हाइंड बींग कहेंगे, और जो फोर बींग हैं वो यहाँ पर मेटाथोरिक कहलाएंगे, मीजोथोरिक कहेंगे, या फिर जो मीजोथोरिक कहेंगे उन्हें मेटाथोरिक भी कहेंगे बिंग्स। और जो हल्टर्स है हल्टर जिस पर पाए जाते हैं यहाँ पर हाइंड लैम्स हाइंड बिंग्स आर मेटाथोरिक्स कहेंगे। तो हाइंड बिंग्स या मेटाथोरिक्स और फोर बिंग्स या मीजोथोरिक्स। तो आंसर यहाँ पर वन पेयर लॉन्ग चौकी हैं और मेम्ब्रांस होते हैं वो मीजोथोरिक्स पर पाए जाते हैं जो कि फोर बिंग्स होते हैं, और मेटाथोरिक्स वाले हैं जो मेटाथोरिक जो कि हाइंडल बींग्स हैं जो कि हल्टर में चेंज हो जाते हैं। तो आंसर यहाँ पर बी सही होगा। लार्वा ऑफ क्यूलेक्स यहाँ पर रिपीट हो गया क्या, 10 वाला 11 कर लिए। तो मस्क्यूटो जो बता रहा है जो प्रोसेस है तो वन पेयर और लॉन्ग मेम्ब्रेन बिंग्स मेटाथोरिक्स मीजोथोरिक्स और जो कि मीजोथोरिक्स पर फोर बिंग पाए जाते हैं, और जो है मेटाथोरिक्स पर हाइंड बिंग पाए जाते हैं जो कि हल्टर्स कहते हैं उन्हें। तो आंसर बी सही हुआ। द पंचरिंग एलिमेंट इन फीमेल एनाफिलीज आर, जो पंचरिंग एलिमेंट है जो फीमेल एनाफिलीज में वो कौन सा है। तो जो फीमेल में मैगजिली एंड मैंडिबल होते हैं। 12 का आंसर एक सही होगा। 12 का आंसर मैगजिली एंड मैंडिबल पाए जाते हैं जो कि मेल में नहीं पाए जाते। अन इम्पॉर्टेंट डिस्टिंगिंग्स बिटवीन एनाफिलीज लार्वा एंड क्यूलेक्स लार्वा बाइल फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ वाटर।
तो बता रहा है जो इम्पोर्टेंट है विटामिन भिन्नता है लार्वा में दोनों के, केलिक्स एंड एनाफिलीज, जब वहाँ पर तैरते हैं सरफेस पर, वाटर सरफेस पर जब तैरते हैं तो फाइल वाइल फ्लोटिंग अंदर वाटर, तो उसमें पोजीशन क्या होती है, तो ये पूछ रहा है। अभी ऊपर हम पढ़ चुके हैं। तो जो क्यूलेस का लार्वा है तो वो यहाँ पर जो क्यूलेस का लार्वा है वो वर्टिकली रहेगा और एनाफिलीज का हॉरिजेंटल रहेगा सरफेस पर। टेल अप बार्ड रहेगी क्यूलेस की और हेड जो है डाउन बार्ड रहेगा। तो यहाँ पर किसमें है इस तरीके से, तो यहाँ पर क्यूलेस लार्वा और द हेड ऑफ एनाफिलीज लार्वा, ये तो गलत है, वर्टिकली बता रहा है। दूसरा पता है द बोर्ड ऑफ क्यूलेस लार्वा और वर्टिकली डाउन बार्ड, और द हेड ऑफ क्यूलेस लार्वा वर्टिकली डाउन बार्ड, तो एंड जो सही है यहाँ पर। और दूसरा बता रहा है कि सी वाला रेस्पिरेटरी साइफन एट द पोस्टीरियर एंड इन द लॉन्ग एनाफिलीज, ये गलत है। तो आंसर यहाँ पर बी वाला सही है, जो क्यूलेस का लार्वा है तो हेड यहाँ पर जो है उसका जो है वर्टिकली डाउनवर्ड होगा, और टेल जो है अबाउट अपवर्ड रहती है, और जो हॉरिजेंटल रहता है लार्वा सरफेस पर, वाटर सरफेस पर हॉरिजेंटल और एनाफिलीज का। तो आंसर 13 का बी सही होगा। फीमेल एनाफिलीज ले एक, तो जो फीमेल एनाफिलीज है अंडे देती है यहाँ पर, और जो वाटर में देती है वो कि साफ पानी में। तो 13 का 14 का आंसर यहाँ पर एक सही होगा। काव डग में या फिर डग में देती है क्यूलेस की लार्वा, क्यूलेस जो है फीमेल वो लार्वा देती है या एग देती है। फीमेल एनाफिलीज कैन बी आइडेंटिफाई द मेल क्यूलेक्स इट सीटिंग पोस्चर और इसीट, तो जो क्यूलेक्स फीमेल है उनको यहाँ पर किस तरह से भिन्न कर सकते हैं दोनों को, एट एंगल विद सरफेस, जब क्यूलेक्स एनाफिलीज है जो कि जब सरफेस पर बैठती तो 45 एंगल मैंने बताया था बनाती है सरफेस पर। तो आंसर बी सही होगा 15 का। एग आप एनाफिलीज आर फाउंड इन, तो जो एनाफिलीज एग है तो मैंने कहा बताया था कि एनाफिलीज साब वाटर में पाएगा, तो मगर यहाँ पर साब वाटर में पाया जाए सिंगली सिंगल विथ एयर फ्लोट, आंसर एक सही होगा, सिंगल विथ एयर फ्लोट में पाया जाएगा। टू एयर फ्लोट बताए थे मैंने, इस तरह से पतवार शेप्ड एयर फ्लोट पाए जाते हैं, सिंगल है ये और इसमें दो टू रेप्ट पाए जाते हैं, एयर फ्लोट पाए जाते हैं। तो 16 का आंसर एक सही होगा। एग आप एनाफिली लेड, तो लेइंग तो लेड एनाफिलीज एग कहाँ पर देती है, आइसोलेट सोलेटली, आंसर यहाँ पर होगा सोलेटली, और आंसर एक ही सही होगा, वो सी सही होगा, सोलोटली एंड एयर फ्लोट वर्टिकली, सोलोटली रहेगा एयर फ्लोट जो है उसके वर्टिकल होते हैं। कितनी बार ये यहाँ पर इस तरह से घुमा घुमा कर बताया, ये एयर फ्लोट है वर्टिकल है और सिंगल है ये। रेस्पिरेटरी साइफन फाउंडिंग, तो जो रेस्पिरेटरी साइफन है वो क्यूलेस के पाई जाती है लार्वा में। विच वेल डेवलपड इन द मेल मस्कीटो, तो मेल मस्कीटो में कौन सा वेल डेवलपड होता है, तो नॉन ऑफ दीज, क्योंकि इनमें से सेकेंड टाइप है तो इनमें से कोई जो है 19 का आंसर डी सही होगा, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई डेवलपमेंट नहीं होती मेल में, मेल में सेकेंड टाइप माउथ पार्ट पाए जाते हैं। द लार्वा ऑफ एनाफिलीज मस्कीटो, लार्वा एनाफिलीज मस्कीटो का किस प्रकार होता है, तो मैंने बताया सरफेस जो है हॉरिजॉन्टल होता है, तो फीड ऑन सरफेस वाटर सरफेस एंड द हेड ट्यूबुलर रेस्पिरेटरी, ये नहीं ट्यूबुलर नहीं रेस्पिरेटरी, फीड ऑन वाटर सरफेस एंड यहाँ पर और क्या है, तो फीड ऑन वाटर सरफेस एंड रेस्पिरेटरी साइफन इज अनडेवलप्ड, आंसर डी सही होगा, जो फीड और वाटर सरफेस है मगर जो रेस्पिरेटरी साइफन है वो क्यूलेक्स में पाई जाती है, इसमें नहीं पाई जाती है। 20 का आंसर है यहाँ पर डी सही होगा, 20 का आंसर यहाँ पर फीड ऑन वाटर सरफेस एंड हैज ट्यूबलेस रेस्पिरेटरी साइफन, नो आंसर डी सही होगा, यहाँ पर इसमें रेस्पिरेटरी साइफन नहीं पाई जाती है क्यूलेक्स में, आंसर डी सही होगा, आंसर डी सही होगा, यहाँ पर फीड ऑन द वाटर सरफेस और जो कि रेस्पिरेटरी साइफन इसमें नहीं पाई जाती है, जो वाटर सरफेस तो रेस्पिरेटरी साइफन क्यूलेक्स में पाई जाती है, फीड ऑन वाटर सरफेस एंड रेस्पिरेटरी साइफन इज अनडेवलप्ड।
ये पेयर ऑफ विंग्स इनक्यूलेक्स रिड्यूस टू फॉर्म ऑफ द पेयर ऑफ हल्टर दीज हल्टर्स अराइज फ्रॉम, तो जो अल्टर हैं जो मैंने बताया था मेटाथोरिक से अराइज होते हैं, और जो है जिसे हाइंड विंग्स कहते हैं, हाइंड विंग्स या मेटाथोरिक्स विंग्स, और जो फोर विंग्स हैं वो मीजोथोरिक्स होती हैं। तो हल्टर जो है मीजोथोरिक्स से हाइंड विंग होते हैं। तो आंसर 21 का एक यहाँ पर सही सही होगा, मेटाथोरिक्स। यंग बना मस्क्यूटो इज नाउन एज, तो जो यंग है मस्क्यूटो का उसे कहते हैं इमेजो, जो यंग लार्वा है या यंग लार्वा या मस्क्यूटो है जो उसे इमेजो कहते हैं, और जो प्यूपा है यंग उसे कहते हैं ट्रेम्पलर। मस्क्यूटो का यंग जो प्यूपा होता है उसे टम्पलर कहते हैं, और लार्वा होता है जो या यंग मस्क्यूटो है या यंग मस्क्यूटो आप हाउस वाटर हाउस फ्लाई एंड मस्क्यूटो यंग फुल ग्रोइंग या यंग पीपा फुल ग्रोइंग या यंग पीपा मस्क्यूटो एंड हाउस फ्लाई इज कॉल्ड इमेगो। तो आंसर 22 का पी सही होगा, और जो यंग है उसका तो उसे निम्प कहेंगे जो कि काकरोच का होता है। मेल मस्क्यूटो कैन नॉट सक ब्लड ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ, तो किसकी अनुपस्थिति के कारण मेल ब्लड नहीं चूस सकता है मेल मस्क्यूटो, मैंडिबल नहीं पाया जाता इसमें, इसीलिए यहाँ पर जो है ये ब्लड सक नहीं कर सकता है। फीमेल में पाया जाता है ये पार्ट, और जो कि फीमेल में पाया जाता है मैंडिबल, तो इसीलिए वो पीसरिंग एंड सकिंग कर सकती है ब्लड को हुमन, और मोस्टली फीमेल ही जो है ब्लड सक करने वाली होती है सारे मस्क्यूटो में, और फीमेल जो है जो कलेक्ट नेक्टर एंड फूल फ्लोवल जूस सक करता है, और इसकी लाइफ भी कम होती है। तो 33 का आंसर यहाँ पर सी सही होगा, बी सही होगा। द मेल मस्क्यूटो फीड ऑन, तो जो मेल मस्क्यूटो किस पर फीड करता है, तो मैंने अभी बताया था फ्लोवर जूस एंड नेक्टर, तो आंसर फ्लोवर जूस सही होगा, फ्रूट जूस या वो फ्लोवर जूस एंड फ्रूट जूस। आंसर यहाँ पर 24 का 24 का आंसर यहाँ पर फ्रूट जूस। द मेल मस्क्यूटो फीड ऑन नेक्टर, तो आंसर सही होगा बी, जो फूल फ्लोवर जूस सक करता है और नेक्टर यानी शहद, तो शहद पर फीड करता है। द पंचरिंग एलिमेंट इन फीमेल मस्क्यूटो, तो जो पंचरिंग एलिमेंट है तो फीमेल मस्क्यूटो का यहाँ पर बहुत हो जाएगा मैगजली एंड मैंडिबल्स, तो 25 का आंसर यहाँ पर 45 का सी सही होगा, बहुत मैगजली एंड मैंडिबल, तो आंसर बहुत आप दो आंसर सी सही होगा। द लार्वा मस्क्यूटो इज, तो जो मस्क्यूटो का लार्वा है मस्क्यूटो का लार्वा जो है तो उसे मैंगट कहते हैं, वो बिरंगलर कहते हैं, और मैंगल लार्वा हाउस फ्लाई का होता है। बिरंगलर यहाँ पर क्यों कहते हैं, क्योंकि ये बिरंगलर मूवमेंट करता है। द प्यूपा मस्क्यूटो इज नाउन है, जो प्यूपा मस्क्यूटो हैं उसे कहेंगे ट्रेम्पलर, जो यंग प्यूपा है मस्क्यूटो का तो उसे टम्पलर कहते हैं, और जो यंग लार्वा है उसे इमेगो कहते हैं, या यंग या फुल ग्राउंड प्यूपा फुल ग्राउंड लार्वा। तो 27 का आंसर यहाँ पर सी सही होगा। फुल ग्रोइंग लार्वा, और जो कि वो फुल ग्रोइंग प्यूपा जो कि मस्क्यूटो में पाया जाता है टम्पलर कहते हैं, फुल ग्रोइंग लार्वा है जो उसे इमेगो कहते हैं, या यंग जो है प्यूपा उसे इमेगो कहते हैं, या फुल ग्रोइंग प्यूपा इमेगो कहते हैं। तो आंसर फुल ग्रोइंग लार्वा को इमेगो कहते हैं, फुल ग्रोइंग प्यूपा को टम्पलर कहते हैं। इंसेक्टिवोरस फिश यूज फॉर द मस्क्यूटो कंट्रोल इज, तो गैम्बुसिया है। डेंगू फीवर स्प्रेड बाई, तो जो डेंगू फीवर है तो वो स्प्रेड होता है यहाँ पर एनाफिलीज एंड एडीज मच्छर के द्वारा, तो एनाफिलीज एंड जो कि वायरस है तो एडीज एंड एनाफिलीज के द्वारा होता है। तो आंसर 29 का सी सही होगा।
एडीज मच्छर के द्वारा होता है, जो कि एडीज इस तरीके से लिखा जाता है, एडीज यहाँ पर गलत लिखा है, एडीज ये डी है, एडीज फीमेल, तो यहाँ पर इसी तरह से एडीज लिखा जाता है, एडीज ये गलत लिखा है, आंसर डी सही होगा, एडीज फीमेल। एलो फेवर भी इसी से होता है, जो कि वायरस जनित है, ये वायरस कैरी करती है एडीज, एडीज मस्कीटो होता है जो कि वायरस कैरी करता है, जिससे एलो फेवर एंड डेंगू होता है। मलेरिया से यहाँ पर एनाफिलीज और क्यूलेक्सो एलिफेंथिसिस होता है, इंसिफेलिस होता है, कॉलरा होता है, ये सारे मस्कीटो से होता है। द डिसीज ट्रांसफर बाय मस्कीटोज, तो जो मस्कीटो पर होती है तो यहाँ पर ये सभी होती है, फाइलेरिया भी होती है क्यूलेक्स से, और एडीज होता है एलो फेवर बताता, इनफेंसिव क्यूलेक्स से होती है, फाइलेरिया क्यूलेक्स से होती है, ऑल ऑफ दो ये सभी होगा, आंसर डी सही होगा। 30 का बीच ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्ट मच मोर क्लोज टू मस्कीटो टैक्सोनॉमी, तो इनमें से एक बता रहा कौन सा है, मस्कीटो जो बीच ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्ट मच मोर क्लोज टू मस्कीटो, तो हाउस फ्लाई है जो कि मस्कीटो से बहुत टैक्सोनॉमी क्लोज रिलेटेड है। 31 का आंसर एक सही होगा, बी सही होगा। कॉमन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ काक्रोच हाउस फ्लाई एंड मस्कीटोज, तो कॉमन करेक्टर कौन सा है यहाँ पर, काक्रोच है और हाउस फ्लाई है, मस्कीटो दोनों, काक्रोच हाउस फ्लाई एंड मस्कीटो, तो यहाँ पर होगा टू पेयर लेंग्स एंड टू पेयर कंपाउंड आई, और दो है थ्री पेयर लेंग्स एंड वन पेयर, क्या है वन पेयर ईच ऑफ विंग्स एंड, तो यहाँ पर होगा कंपाउंड आई एंड सिंपल आई, टू पेयर ऑफ लेंग्स एंड टू पेयर कंपाउंड आई, टू पेयर कंपाउंड आई क्या होती, वन पेयर होती, तो थ्री पेयर ऑफ लेंग्स एंड वन पेयर, ये वन पेयर लिख के छोड़ दिया है, इसके बाद में क्या है, थ्री पेयर ऑफ लेंग्स एंड वन पेयर बिंग्स होता है, तो वन पेयर बिंग्स ये तो नहीं है, तो वन पेयर ईच ऑफ बिंग्स डेवलप्ड बिंग, वन पेयर ईच ऑफ बिंग्स एंड डेवलप्ड बिंग्स, तो जो कॉमन करेक्टर है यहाँ पर, कॉमन करेक्टर जो है वो 32 का कॉमन करेक्टर सी सही होगा, थ्री पेयर ऑफ लेंग्स एंड वन पेयर कंपाउंड आई। देयर इज फिक्सड नंबर ऑफ द सेगमेंट सेगमेंट्स इन, तो फिक्सड नंबर सेगमेंट किस में पाया जाता है, क्यूलेक्स में पाया जाता है, और यहाँ पर हिरिड एरिया में पाया जाता है, और काकरोच में हिरिड एरिया में 33, काकरोच में 10, और क्यूलेक्स में भी पाए जाते हैं 10, तो यहाँ पर 33 का आंसर एक सही होगा। जोहानसन आर्गन इज, तो जोहानसन आर्गन फाउंडिंग, तो जो एंटीना मस्कीटो है उसमें पाया जाता है जोहानसन आर्गन। 34 का आंसर एक सही होगा, वो यहाँ पर बी सही होगा, एंटीना मस्कीटोज। हल्टर इन द मस्कीटो एंड हाउस फ्लाई डेवलप फ्राम, तो जो हल्टर्स हैं जो कि हाइंड विंग होते हैं, डेवलप्ड होते हैं मेटाथोरिक्स से। ओवुलेशन इन फीमेल मस्कीटो इज इंड्यूस्ड बाई, तो ओवुलेशन है जो फीमेल मस्कीटो में किसके द्वारा, ए मील ऑफ ब्लड, ये ब्लड मील मिलता है, तो यहाँ पर ओवुलेशन होता है। 36 का आंसर बी सही होगा, वो डी सही होगा। द एग ऑफ एनाफिलीज आर, तो जो एनाफिलीज के एग होते हैं वो यहाँ पर बोट शेप्ड होते हैं, जो कि एयर रेप्ट पाए जाते हैं उसमें, तो आंसर 37 का एक सही होगा, बोट शेप्ड। सिगार शेप्ड जो है वो है कामा शेप्ड वो पाया जाता है, इमेजो लार्वा है जो उसमें पाया जाता है, जो कि फीडिंग एंड सकिंग, वो फीडिंग मैकेनिज्म बंद कर देता है, तो फीडिंग स्टॉप कर देता है, तो यहाँ पर कामा शेप्ड जो है लार्वा पाया जाता है। कामा शेप्ड स्ट्रक्चर एक प्यूपा का है जो कि मस्कीटो में पाया जाता है। मस्कीटो लार्वा माउल्ट, तो जो मस्कीटो लार्वा है कितनी बार माउल्ट करता है, जो मस्कीटो लार्वा यहाँ पर 5 टाइम माउल्ट करेगा,
फोर टाइम आउट करेगा, आंसर बी सही होगा। अब वन लाइनर क्वेश्चन है, इसके बाद इमेज होंगे डायग्राम जिससे हम समझेंगे ये सारे क्वेश्चन जो भी हमने ऊपर पढ़े हैं, कीलेक्स एंड मस्कीटो एंड एडीज मस्कीटो, ये सारे इसके बारे में। तो आर्डर ऑफ मस्कीटोज आर एंड हाउस फ्लाई, तो मस्कीटो एंड हाउस फ्लाई का आर्डर जो है डाइप्टेरा होगा। मस्कीटो इज, तो मस्कीटो इज है तो नॉक्चरर एंड सेंगीवोरस, फीमेल को मेल को छोड़कर फीमेल जो है वो तो सेंगीवोरस होती है यानी ब्लड सकिंग करने वाला। मेल मस्कीटो फीड ऑन, तो सक ऑफ जूसेस ऑफ फ्लावर एंड फ्रूट्स, तो आंसर सही होगा। आंसर यहाँ पर लिखा ही है, क्या सही होगा उसमें। कीलेक्स कैरीज डेंगू, तो जो कीलेक्स के डेंगू कैरी करती है, और एनाफिज कैरी मलेरिया, एडीज कैरी येलो फीवर जो कि वायरस जनित है, डेंगू भी वायरस जनित है, मलेरिया प्रोटोजोन से। कीलेक्स डेंगू कैरी करती है और एडीज जो है येलो फीवर, एनाफिज मलेरिया। अडल्ट मस्कीटो कैन फ्लाई, तो जो अडल्ट मस्कीटो है जो टू से थ्री हॉर्स विदाउट रेस्ट, और जो है 2 से 3 घंटे से जो वो है फ्लाइंग करता रहेगा विदाउट विदाउट रेस्ट एंड कवर 20 से 30 किलोमीटर। द कॉमन मस्कीटो जेनरा कैन बी इजिली वाई देर, तो जो इजिली है जो मस्कीटो है तो इजिली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, इसे अंतर कर सकते हैं। द कॉमन मस्कीटो जेनरा जनरल कैन बी ईजिली आइडेंटिफाइड बाई, आइडेंटिफाई नहीं लिख पाए इसके लिए सॉरी, यहाँ पर जो है ईजिली आइडेंटिफाई होता, जो ईजिली आइडेंटिफाई बाई देर सिटिंग पोस्चर्स, तो सिटिंग पोस्चर यानी जो एनाफ्लिज है वो 45 अंग, एनाफ्लिज अलवे हेल्ड ऑन द एंगल 45 वाइल द कीलेक्स इज हेल्ड पैरालेल ऑन टू सरफेस, कीलेक्स जो है पैरालेल होगा समतल होगा, और जो है एनाफ्लिज 45 एनाफ्लिज मस्कीटो 45 इंच का कोण बनाएगा। एनाफ्लिज सिटिंग एट द एंगल ऑफ 45 एनाफ्लिज सिटिंग है तो एंगल बनाएगा 45, आंसर यहाँ पर इसमें लिखा ही है। क्यूलेक्स सिटिंग एट द क्यूलेक्स हेल्ड सिटिंग ऑन, तो पैरेलल टू द सरफेस, क्यूलेक्स बैठेगा तो समतल जमा कोई एंगल नहीं बनाएगा, एनाफ्लिज बैठेगा तो एंगल बनाएगा सरफेस पर। डिफरेंस बिटवीन द एनाफ्लिज एंड एडीज आर, तो एनाफ्लिज एडीज में जो अंतर है वो क्या है। एडीज हैज ब्लैक एंड वाइट स्प्राइड बॉडी एंड एडीज है इसमें वाइट ब्लैक एंड वाइट जो है स्ट्रेप्ड होते हैं, धारियाँ होती हैं, जबकि एनाफ्लिज पर डार्क होता है, डार्क स्पॉट होता है, तो ये अंतर है। माउथ पार्ट ऑफ मस्कीटोज आर, तो जो माउथ पार्ट मस्कीटो के हैं वो पाइसिंग एंड सकिंग टाइप होते हैं। एनाफ्लिज ऑफ मेल मस्कीटो आर, तो एनाफ्लिज मेल मस्कीटो है प्लम्बोस एंटीनी टाइप होती हैं उसमें, और यहाँ पर फीमेल मस्कीटो है एंटीनी इज द प्ली प्लियोसोम पाइलोज एंटीनी होती हैं, और प्लिमसोम होती हैं, प्लिमसोम जो है मेल में पाई जाती है एनाफ्लिज, फीमेल में यहाँ पर पाइलोसोम एंटीनी पाई जाती है। फीमेल मस्कीटो हैज, तो फीमेल मस्कीटो हैज लेवियम फ्रॉम द प्रोबोसिस, पीसिंग स्टाइल्स आर यूज फॉर, जो पीसिंग स्टाइल है वो इसके लिए पंचरिंग आप होस्ट को काटने के लिए चुभाने के लिए चुभ कर काटने के लिए, तो यहाँ पर पेसरिंग स्टाइल होती है जो कि फीमेल में पाई जाती है। मैंडिबल एंड द मैगजिला आर फाउंड इन, तो मैंडिबल एंड मैगजिला किस में पाया जाता है, मस्कीटो इनटू द प्रोबोसिस, मस्कीटो में पाया जाता है वो कि फीमेल में पाया जाता है, मैंने लिख नहीं पाया, फीमेल मस्कीटो एंड प्रोबोसिस में पाया जाता है। मैंडिबल मैगजिला मैगजिलरी पल्प आर द प्रेजेंट इन, मैंडिबल्स मैगजिली मैगजिली पल्प आर प्रेजेंट इन मस्कीटो, जो कि फीमेल में पाया जाता है। इन मेल मस्कीटोज मैंडिबल्स आर अब्सेंट, तो जो फीमेल मस्कीटो है जिसमें मैंडिबल नहीं पाई जाती है, मैंडिबल एंड मैगजिला आर अब्सेंट इन मेल
मस्क्यूटो अबसेंट मैंडिबल एंड मैगजिलरी एंड पेसरी, ये सारी चीज़ें। मेल मस्क्यूटो एंड फीमेल मस्क्यूटो ईजिली भी डिटरमाइंड बाई द एंटीना एंड द मैगजिलरी पल्प। एंटीना और मैगजिलरी पल्प के द्वारा दोनों को पहचान सकते हैं, दोनों मस्क्यूटो को, और माउथ पार्ट के द्वारा भी पहचान सकते हैं। मैगजिलरी पल्प जो मेल मस्क्यूटो बायरेमस जो है क्लैपसार्पिड एंटीना पाया जाता है मेल में, और फीमेल में क्लैपसार्पिड नहीं पाया जाता है, जो बायरेमस होता है। मैगजिलरी पल्प इन द जो है मेल में पाया जाता है बायरेमस एंटीना, जो कि क्लैपसार्पिड होता है इस तरह से, और इस तरह से यहाँ पर जो बायरेमस है यहाँ पर उसमें तुप्त पाए जाते हैं मस्कीटो के, तो भी डायग्राम के द्वारा हम समझेंगे अच्छे से। मैगजिलरी पल्प आर मैगजिलरी पल्प इन एनाफिलीज बोथ सेक्सेस आर, तो जो मैगजिलरी पल्प हैं बोथ सेक्स में क्या होते हैं सेमेयर प्रोबोसिस, सेम प्रोबोसिस, सेम एज प्रोबोसिस। जो मैगजिलरी पल्प हैं दोनों में सेम होते हैं, मेल फीमेल में प्रोबोसिस के समान होते हैं। मैगजिल पल्प इन मेल इज मस्क्यूटो आर, तो जो मैगजिल पल्प हैं क्लैपसार्पिड होते हैं मेल में, मैंने बताया था बायरेमस और क्लैपसार्पिड होते हैं। क्लैपसार्पिड मैगजिल पल्प फाउंड इन, तो जो क्लैपसार्पिड फाउंड है मेल मस्क्यूटो में एनाफिलीज के। इन क्यूलेक्स मैगजिल पल्प लार्जर द मेल देन द फीमेल प्रोबोसिस, जो मैगजिल पल्प हैं वो लार्ज होते हैं मेल में और फीमेल से जो बायरेमस होते हैं। थोरेक्स इन मस्क्यूटो आर, जो थोरेक्स मस्क्यूटो में वो किस तरीके से होता है, प्रोथोरेक्स जो कि वर्टिकल होता है वो प्रोथोरेक्स जो कि वेरी स्मॉल होता है, मीजोथोरेक्स वेरी लार्ज होता है और जिसमें फोर विंग्स पाए जाते हैं, मेटाथोरेक्स स्मॉल होता है इसमें हेड विंग पाए जाते हैं या अल्टर पाए जाते हैं। मेटाथोरेक्स बेयर ए पेयर ऑफ द स्मॉल डोमेस्टिक शेप्ड आर द क्लैपसार्पिड प्रोबोसिस, प्रोसेस इज कॉल्ड तो ड्रोमेस्टिक या क्लैपसार्पिड जो प्रोबोसिस है उसे हल्टर या बैलेंसिस आर्गन कहेंगे, हल्टर से या बैलेंसर बींग से कहेंगे। हल्टर आर द बैलेंसर आर, तो जो हल्टर बैलेंसर है आर रिप्रेजेंट द रूडिमेंट्री हाइंड विंग्स यूजलेस फॉर द फ्लाइट एंड इट इज अ वर्क ऑफ द सेंसरी इन द फंक्शन एंड द प्रोड्यूसिंग बजिंग साउंड, तो यहाँ पर फ्लाइट के लिए नहीं होते हैं यहाँ पर, और मस्क्यूटो में यहाँ पर हाउस फ्लाई में फ्लाइट के लिए होते हैं, जो कि फ्लाइट देन फॉर विंग्स मोर फास्टर बीट देन फॉर विंग्स, हाउस फ्लाई की मस्क्यूटो में, हाउस फ्लाई में। द एब्डोमेन इन द मस्क्यूटो आर लोकेटेड एट, तो एब्डोमेन मस्क्यूटो में कहाँ पर पाया जाता है, तो यहाँ पर मस्क्यूटो में एब्डोमेन में नाइन सेगमेंट पर पाया जाता है। एब्डोमेन मस्क्यूटो में 9 सेगमेंट का होता है, और जो जेनाइटल पोर है मस्क्यूटो में वो 9th सेगमेंट पर पाए जाते हैं। एब्डोमेन बना होता है 9 सेगमेंट का, और जेनाइटल पोर पाया जाता है जो कि वो 9th में सेगमेंट पर पाया जाता है। हाउ मैनी सेगमेंट आर फाउंड इन द एब्डोमेन ऑफ द मस्क्यूटो, तो मस्क्यूटो में जो एब्डोमेन है सेगमेंट उसमें 9 पाए जाते हैं। एनस आर मस्क्यूटो आर लोकेटेड एट, तो 8 सेगमेंट पर पाया जाता है, 8 सेगमेंट पर, और जेनाइटल पोर जो है वो पाया जाता है 9 सेगमेंट पर, 9th सेगमेंट पर। कॉपुलेशन इन मस्क्यूटो आर डूरिंग फ्लाइट, और यहाँ पर मस्क्यूटो फीमेल मस्क्यूटो टेक मील ऑफ ब्लड बिफोर मेटिंग, मेटिंग से पहले ब्लड जो है फीड करती है ब्लड पर फीमेल मस्क्यूटो। हाउ मैनी टाइम्स फीमेल मस्क्यूटो मैटिंग या कापुलेटिंग इन लाइफ दे लाइफ साइकिल, तो यहाँ पर ओनली वंस टाइम इन क्यूलेक्स, ओनली वंस टाइम्स इन क्यूलेक्स में ही केवल एक ही टाइम कापुलेट करती है और एक कई बार देती है कई शिफ्ट में। मस्क्यूटो लाइंग एग 4 से 5 टाइम्स ऑफ द देर रिमेनिंग लाइफ आर ए मंथ आर 2 मंथ, तो जो यहाँ पर जो मस्क्यूटो है लेइंग एग 4 से 5 टाइम एग देती है, जो कि रिमेन रहते हैं 1 से 2 मंथ तक लाइफ में। एग ऑफ मस्क्यूटो आर द क्यूलेक्स फॉर्म, तो एग ऑफ मस्क्यूटो है और किसके फॉर्म में होता है, तो एयर स्मॉल रेप्ट के साम स्मॉल फ्लोटिंग रेप्ट के टाइप होता है एग,
क्यूलेक्स का एक आप क्यूलेक्स इज ए स्मॉल फ्लोटिंग रेप्ट जो कि होता है, एक आप क्यूलेक्स है वो स्मॉल फ्लोटिंग रेप टाइप होता है। सिगार शेप्ड एग और फाउंडिंग, तो जो सिगार शेप्ड एग है किसमें पाया जाता है, क्यूलेक्स एग में। और जो क्यूलेक्स एग है सिगार शेप्ड होता है, और क्यूलेक्स एग जो है ये स्मॉल रेप फ्लोटिंग रेप्ट होता है। एग शेप भी पाया जाता है रेप सिगार शेप्ड। अक्यूटिक लार्वा मस्क्यूटो पापुली नाउस है, तो जो अक्यूटिक लार्वा मस्क्यूटो का है उसे ब्रेंगल लार्वा कहते हैं। अक्यूटिक लार्वा क्यूलेक्स मोटक्यूटो दैट स्विमिंग इन वाटर इज कॉल्ड ब्रेंगलर, बाई ब्रेंगलर मूवमेंट इज कॉल्ड ब्रेंगलर। माउथ पार्ट ऑफ मस्क्यूटो मस्क्यूटो आर द हैज, माउथ पार्ट मस्क्यूटो के उसमें पाया जाता है ए पेयर ऑफ मैंडिबल्स एंड ए पेयर ऑफ मैगजिला। जो माउथ पार्ट मस्क्यूटो के हैं फीमेल में एक पेयर मैंडिबल और एक पेयर मैगजिलर पाया जाता है मैगजिली। हेड ऑफ मस्क्यूटो इन क्यूलेक्स हैज, तो मस्क्यूटो का हेड है उसमें ए पेयर यहाँ पर कंपाउंड आई पाई जाती है, ए पेयर ओसीली पाई जाती है, ए पेयर जॉइंटेड एंटीना पाया जाता है एंड चूमी माउथ पार्ट होते हैं। लार्वा मस्क्यूटो आर, तो लार्वा मस्क्यूटो का है, लार्वा मस्क्यूटो आर द नाउनस ब्रेंगलर ट्रांसपेरेंट मेजरिंग अबाउट मेजरिंग 1 mm थोरेक्स, थोरेक्स ऑफ लार्वा हैज 3 pairs ऑफ लोकेटेड रेप्ट ट्यूब्स। थोरेक्स लार्वा हैज, जो थोरेक्स है लार्वा का थोरेक्स उसमें 3 pairs लेटरल जो ट्यूब्स पाए जाते हैं हेयर के। अबडोमेन क्यूलेक्स हैज, तो अबडोमेन क्यूलेक्स का एक स्ट्रक्चर है जो कि लेटरल ट्यूब्स एंड वेस्टल एट द सेगमेंट रेस्पिरेटरी साइफन पाई जाती है अबडोमेन में क्यूलेक्स के। रेस्पिरेटरी ट्यूब और साइफन हैज स्ट्रक्चर एट द प्लास टॉप ऑफ द साइफन इज, तो स्पाइकल्स जो स्पाइकल के रेस्पिरेटरी साइफन के ऊपर एक स्ट्रक्चर पाया जाता है उसे स्पाइकल्स कहते हैं। ट्रेकियल गिल आर द 4 small लीफ लाइक स्ट्रक्चर आर द प्रेजेंट इन एट द क्यूलेक्स लार्वी लास्ट अबडोमेन सेगमेंट सराउंडिंग एनस। 4 ट्रेकियल गिल्स आर फाउंड इन, तो जो 4 ट्रेकियल गिल्स है वो किसमें पाया जाता है, लार्वा ऑफ मस्क्यूटो। ट्रेकियल रेस्पिरेशन फाउंड इन, तो लार्वी ऑफ क्यूलेक्स के पाई जाती है ट्रेकियल रेस्पिरेशन। और द 9 सेगमेंट ऑफ द क्यूलेक्स लार्वा हैज, 9 सेगमेंट ऑफ क्यूलेक्स लार्वा टू जो है टू ट्यूब्स पाई जाती हैं जो कि ब्रिस्टल और 1 ventral एंड 1 ventral ब्रश, जो कि बेंटल है, जो 2 ventral पाई जाती हैं जो कि एक बेंटल ब्रश होती है एक डोर्सल ब्रश होती है। विच हेल्प इन द स्विमिंग, तो इनमें से कौन सा जो कि स्विमिंग काम का करती है, और 2 ventral पाई जाती हैं ब्रिस्टल की जो कि स्विमिंग के लिए एक बेंटल ब्रश होती है एक डोर्सल ब्रश होती है, एक बेंटल एक डोर्सल जो कि स्विमिंग के लिए हेल्प करती है। वैन रेस्ट द क्यूलेक्स लार्वा हेल्प, तो जब जहाँ पर रेस्ट जो करता है क्यूलेक्स लार्वा तो उसमें क्या होता है, हेड डाउनवर्ड एट द एंगल एंगल विद वाटर एंड टेल इज द रेस्पिरेटरी साइफन टॉप। तो जो क्यूलेक्स की बात कर रहा है हेड डाउनवर्ड होता है और एक एंगल बनाता है, और जबकि टेल जो है अपवर्ड होती है क्योंकि साइफन सहित साइफन भी होती है इसके साथ। टोटल माउंट इन द क्यूलेक्स लार्वा 5 times या 4 से 5 times, 4 से 5 times से बीच में होता है यहाँ पर 4 से 5, तो 5 भी हो सकता है 4 से 5, अगर 5 है तो 5 लगाएं। अक्यूटिक पीपा ऑफ क्यूलेक्स इज नाउन फॉर, तो अक्यूटिक पीपा है क्यूलेक्स का उसे हम कहते हैं ट्रम्पलर। पीपा ऑफ क्यूलेक्स इज कॉमनली नाउनस, तो जो पीपा है क्यूलेक्स का उसे हम ट्रम्पलर कहते हैं। पीपा ऑफ क्यूलेक्स डोमेस्ट डज नॉट फीड इट्स हैज, तो जो क्यूलेक्स का पीपा है जब नहीं खाना पीना बंद कर देता तो कामा सेप्ड स्ट्रक्चर हो जाता है उसे कामा सेप्ड बॉडी कहते हैं। कामा सेप्ड प्यूपी इज फाउंड इन, तो जो कामा सेप्ड प्यूपी है क्यूलेक्स में पाई जाती है। पीपा ऑफ क्यूलेक्स हैज सिफेलोथोरिक्स एंड 9 segment एब्डोमेन क्यूलेक्स सिफेलोथोरिक्स, इस तरीके का पीपा होता है। प्यूपा ऑफ क्यूलेक्स एस्पायर थ्रू द ट्रम्बलेड लाइक ट्यूब्स, जो कि
ट्रम्बलाइट जो कि प्यूपा ऑफ क्विलेक्स रेस्पायरी थ्रू द टम्पलेट लाइक ट्यूब्स जो कि रेस्पायरेटरी टम्पलेट कहते हैं। प्यूपा ऑफ क्विलेक्स डज नॉट फीड ऑन देयर इज नो प्यूपा ऑफ क्विलेक्स डज नॉट फीड अस देयर इज नो माउथ आर एनस। क्यों नहीं खाता? क्योंकि या फिर माउथ नहीं होता या फिर उसमें एनस नहीं होता, खाना पीना बंद कर देता है प्यूपा, उसे टम्पलर वो इम्यूजो कहते हैं। कामा शेप्ड स्ट्रक्चर हो जाता है। फैगोसाइट सेल काज तो फैगोसाइट सेल के कारण होता है हिस्टोलाइथिस अब लार्वा आर्गन इन प्यूपा। फुल ग्रोइंग या अडल्ट यंग प्यूपा इज इन क्विलेक्स इज कॉल्ड फुल ग्रोइंग अडल्ट या यंग प्यूपा इज कॉल्ड इमेजो। फुल ग्रोइंग प्यूपा आर द यंग प्यूपा इन क्विलेक्स इज तो जो फुल ग्रोइंग प्यूपा आर द यंग प्यूपा इज क्विलेक्स इज इमेजो कहते हैं। लास्ट स्टेज ऑफ द प्यूपा 2 to 3 days इज कॉल्ड इन क्विलेक्स इमेजो। फुल ग्रोइंग प्यूपा आर द अडल्ट प्यूपा आर तो जो फुल ग्रोइंग प्यूपा या अडल्ट प्यूपा है उसे इमेजो कहते हैं। रिपीट हो रहा क्या? फुल ग्रोइंग प्यूपा इन मस्कीटो डोज फिलाई इज कॉल्ड इमेजो। कंप्लीट लाइफ साइकिल फ्राम एग टू अडल्ट लेग प्लस तो जो मस्कीटो का है कंप्लीट लाइफ साइकिल है उसका एक से यहाँ पर फुल डेवलपन तो 10 to 55 days लग जाते हैं और 10 to 15 days लगते हैं। फीमेल लिव्स इन क्विलेक्स फॉर जो फीमेल लिव्स होती है कितने दिन के लिए जीती है तो 1 month आर मोर और मेल क्विलेक्स लिव्स फॉर अबाउट ए वीक। मेल है जो लगभग 1 हफ्ते जीता है और फीमेल है 1 month या 2 month या कई। डिसीज काजेज बाय द क्विलेक्स मस्कीटो आर तो जो डिसीज है क्विलेक्स मस्कीटो तो मलेरिया डेंगू और इनाफिसिटी होती हैं क्यूलेस के द्वारा यहाँ पर होती है। क्यूलेस के द्वारा यहाँ पर एलिफेंटिसिस होती है और डेंगू के द्वारा डेंगू होता है और क्यूलेक्स के द्वारा एलिफेंटिसिस होती है और मलेरिया जो कि एनाफिलीज के द्वारा होती है। एलो फेवर काज्ड बाई द एलो फेवर है जो कि वायरस जो कि कैज्ड बाई एडीज। मलेरिया इज कार्ड बाई तो जो मलेरिया है जो कि प्लाज्मोडियम के कारण होती है जो कि कैरियर उसका फीमेल एनाफिलीज है। और डेंगू है डेंगू फेवर इज कार्ड बाई जो डेंगू फेवर कार्ड बाई यहाँ पर वायरस एंड कैरिड बाई द क्विलेक्स फीमेल फीमेल क्विलेक्स फेंटिग्यूस एंड द फीमेल एडीज। जो डेंगू है फीमेल एडीज एंड फीमेल क्विलेक्स के द्वारा कैरियर करती है कैरियर होता है। सिम्टम इसके हाई फेवर या टम्पलर टम्परेचर अचिंग लिम्स एंड माइनर रैस। एलिफेंटिसिस कॉज्ड बाय द पैरासिटिक एलिफेंटिसिस पैरासिटिक राउंड बॉर्म बाउचेरिया बैनक्रॉप्टी कैरिड बाय द क्विलेक्स फेंटिग्यूस। सिम्टम्स के हैं इनलार्जमेंट ऑफ द लिम्स स्क्रोटम आथोमेमी एना इसी फेंटिसिस कॉज्ड बाय द तो वायरस है एंड स्प्रेड बाय द वेरियस स्पीशीज क्विलेक्स एंड एडीज। सिम्टम्स के हैं सिम्टम्स हैं किल विक्टम और द सीरियस ब्रेन डैमेज। लेप्रोसी इज कॉज्ड बाय तो लेप्रोसी है यानी लेप्रोसी है जो कि कोल्ड कहते हैं जिसे कॉज्ड बाय द इंडियन मस्कीटो अकॉर्डिंग टू जिम्पर जवाहरलाल इंस्टीट्यूट मेडिकल रिसर्च इन पौंडीचेरी एट पौंडीचेरी। यहाँ पर डायग्राम है जो कि क्विलेक्स का लार्वा मैंने बताया था क्विलेक्स का लार्वा वाटर सरफेस पर वर्टिकली एंड वाटर सरफेस टेल इज डाउनवर्ड हेड इज डाउनवर्ड एंड टेल इज अपवर्ड और इसमें रेस्पायरेटरी सिपान भी पाई जाती है। क्विलेक्स का लार्वा है हेड डाउनवर्ड है जो कि वर्टिकली है इस तरह से और टेल अपवर्ड और हेड डाउनवर्ड तो मैंने बताया था। तो ये क्विलेक्स का है स्ट्रक्चर लार्वा का और यहाँ हमारे रेप्ट में पाए जाते हैं इसके एयर ये रेप्ट है और ये डायग्राम है और रेस्पायरेटरी साइपान ट्यूबलेट जो कि टम्पलेट है इसे प्यूपा है इसे टम्पलेट प्यूपा कहते हैं। इसका सिफेलोथोरेक्स से एंटीना है ओसीली है 3 कंपाउंड आई हैं रोडीमेंट अपर्चर से 9 segments हैं यहाँ पर और यहाँ पर ट्रेकियल गिल्स पाए जाते हैं। ये पूरा चित्र डाउन जो है रेप्ट जो है इस तरीके से जी अपवर्ड है टेल और ये डाउनवर्ड हेड है।
और इन वाटर में, और एक जो इसके हैं रेप्ट होते हैं, ये रेप्ट हैं। और इसके प्यूपा को मैंने बताया था, इमेजो कहते हैं, जो कि ओक्यूटिक है, उसमें सिपेले थोरिक्स पाया जाता है। यहाँ पर एनाफिलीज का लार्वा है, वो यही वो एनाफिलीज का लार्वा यहाँ पर, और ये है, ये यहाँ पर पैरालेल है, हॉरिजेंटल है, हॉरिजेंटल है वाटर सरफेस, ये कहना प्लीज है हॉरिजेंटल है, ये वाटर सरफेस पर इस तरीके से हॉरिजेंटल है, और वाटर सरफेस विदाउट एस्पायटी साइफान। तो इसमें यहाँ पर एयर रेप्ट पाए जाते हैं, ये देखो एग है यहाँ पर, सिंगल एग है और विथ एयर एयर फ्लोट्स। तो ये अंतर था दोनों में। इमेजो है जो कि एनाफिलीज का, उसे फुल इमेजो स्टेज ऑफ द शॉर्ट ड्यूरेशन 2 से 3 डेज बताया था। तो इमेजो है जो कि अडल्ट इमेजो या प्यूपा इज नाउन है द स्पिल्ट ब्रेकडाउन, और इमेजो कहते हैं जो कि ट्रांसफॉर्म होता है 2 से 3 आफ्टर द कम्प्लीट इमेजो जो कि है प्यूपा का कम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस स्ट्रक्चर है, उसे इमेजो कहते हैं, जो कि एनाफिलीज का है। ये यहाँ पर इसका डायग्राम है, और ये मैंने बताया था जो हाइंड विंग्स हैं और ये हल्टर हैं, ये हाइंड लिम्स हैं और ये फोर विंग्स हैं जो कि हल्टर बनते हैं, और जो कि हल्टर हैं जो कि पाए जाते हैं हाइंड विंग्स हल्टर, जो कि मेटाथोरिक पर पाए जाते हैं, मीजोथोरिक पर फोर विंग्स पाए जाते हैं या फोर लिम्स पाए जाते हैं। कंपाउंड आई है बायरेमस एंटीनी है ये पर, ये एब्डोमिन स्पाइकल्स हैं, ये स्पॉट साइज तरीके के, ये हेड पार्ट है इसका, हेड है जो कि क्लेवी सीएफ है, आँखी के दोनों के बीच में पाया जाता है, जो कि दोनों आँखों के बीच में एक पार्ट है उसे क्लेवी सीएफ कहते हैं। ये हाइपोपेरिनिक्स है, मैगिला है, लेबियम है, लेवेलम है, और ये मैंडिबल है, फीमेल का है पार्ट। यहाँ पर क्यूलेस के हेड पार्ट है, ये कंपाउंड आई है, यहाँ पर प्लोम्बस एंटीना पाई जाती है मेल में, प्लाइसोम पाया जाता है फीमेल में, बताया था। ये मैगिली पल्प है, ये ग्रीन पल्प है, मैंडिबल्स हैं, ये हाइपोपेरिनिक्स है, ये लेवेलम है, लेवियम। ये मेल है जिसमें मैंडिबल नहीं पाई जाती, राइट और लेफ्ट साइड में ये मेल है, ये मेल है, ये फीमेल है, इसमें जो है मैंडिबल नहीं पाए जाते हैं, ये मैंडिबल होती हैं इस तरह से, ये सुईनुमा स्ट्रक्चर ये मेल में नहीं पाए जाते हैं। आप डायग्राम देख लें वीडियो पॉज करके, फिर अच्छे से पढ़ें। मेल मस्कीटो मैंने बताया था जो कि प्रोबोसिस होती है, और मेल मस्कीटो देर क्लब सेपड जो है प्रोबोसिस होती है, किलेक्स है द शॉर्टर प्रोबोसिस फीमेल बट स्लाइटली लॉन्गर, फीमेल में थोड़ा लंबी होती है। क्लब सेपड जो है उसका एंटी होता है प्रोबोसिस, फीमेल इज एंड विद क्लब सेपड एंड किलेक्स हेल्प द मच शॉर्टर प्रोबोसिस फीमेल बट स्लाइटली लॉन्गर मेल। ये एनाफिलीज का है, एनाफिलीज में भैया मेल में भी पाई जाती है एंटीने नहीं पाई जा वो नहीं पाई जाती है और मैंडिबल्स कंपाउंड आई हैं। द माउथ पार्ट ऑफ मेल मस्कीटो डो नॉट है, तो जो माउथ पार्ट है मस्कीटो के उसमें बताया था मैगिलरी एंड मैंडिबल नहीं पाया जाता है। बीच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू अबाउट द एनाफिलीज, तो एनाफिलीज में यहाँ पर एग्स आर विदाउट लेटरल एयर फ्लोट बता रहा है, एग विथ हैड टू एयर लेटरल एयर फ्लोट्स।
विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस ओकेंटीज ऑफ द मलेरिया पैरासाइट फाउंड, तो यहाँ पर मस्कीटो के एब्डोमेन में स्टोमच में पाया जाता है। रेस्पिरेटरी साइफन इज फाउंड इन, तो जो रेस्पिरेटरी है क्यूलेक्स में पाई जाती है रेस्पिरेटरी साइफन क्यूलेक्स की लार्वी में। तो वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक करें, हमारे चैनल पर नए हो नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, राधे राधे, डोंट वरी बी हैप्पी।